हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन मार्वल की कंफर्मेशन के बारे में, जो हमें एक्चुअल में 2015 में आई हुई अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में नजर आने वाली थी। तो क्या है ये सभी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म को लेकर 2015 के टाइम पर ही एक रूमर लीक हुआ था कि एक्चुअल में इस फिल्म में हमें एक झलक कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर की भी नजर आने वाली है। लेकिन फिल्म देखने के बाद लोगों को फिल्म में वैसा अलग कुछ भी देखने नहीं मिला और पूरी फिल्म में कैप्टन मार्वल तो क्या, उसका एक जिक्र तक नहीं किया गया। लेकिन अब जाकर डिज्नी प्लस और इन्फिनिटी सागा में इसकी एक पूरी की पूरी वीडियो उठाकर अपलोड कर दी गई कि एक्चुअल में फिल्म के एंड के सीन में जहां पर हम न्यू अवेंजर्स की पूरी टीम देखते हैं अवेंजर्स के हेडक्वार्टर में, वहीं पर हमें एक शख्स खड़ी हुई नजर आती है जो एक्चुअल में कोई नहीं बल्कि कैरल डेनवर्स थी, यानी हमारी कैप्टन मार्वल। बट हाँ, कुछ और कंफर्मेशन भी की गई थी कि एक्चुअल में उस टाइम पर कैप्टन मार्वल के रोल के लिए वुडफेस ब्री लार्सन को कास्ट नहीं किया गया था। उस टाइम पर उस रोल के लिए किसी डिफरेंट ही क्रू मेंबर को बुलाकर उस जगह पर खड़ा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद केविन फेगी को ये लगा कि कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर की एंट्री कुछ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए एमसीयू में, उसके लिए कुछ अलग प्लानिंग होनी चाहिए, वरना लोग फिल्म के एंड के उस सीन को देखकर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो लोग सोच में पड़ जाएंगे कि एक्चुअल में सारे के सारे न्यू एवेंजर्स की टीम के बीच वो औरत कौन थी। क्योंकि बिना किसी रीजन के केविन फेगी ये नहीं चाहते थे कि लोग बेमतलब के अपने सर पीटे और बस यही सोचते रह जाए, क्योंकि उस टाइम पर कैप्टन मार्वल का जिक्र तक नहीं हुआ था कि कैप्टन मार्वल की एंट्री एमसीयू में कब तक हमें देखने मिलेगी, बस रूमर ही निकल कर आते रहते थे। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म के बाद पूरी की पूरी एमसीयू की सिचुएशन ही बदल गई, जिसके बाद फैंस की थियरी निकल कर आने लगी कि एक्चुअल में अब इस टीम को लीड करने के लिए कैप्टन मार्वल एमसीयू के इस यूनिवर्स में दाखिल ही होगी। और फाइनली फिर हमें कैप्टन मार्वल की एक सोलो फिल्म देखने मिली जो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी वॉर के बलबूते पर ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर पाई, और हाँ, एमसीयू की फेम की वजह से। कल तो मुझे लगता है ऐसी और भी काफी सारी डिटेल्स निकल कर आएगी एमसीयू से रिलेटेड, क्योंकि इसके अलावा हल्क के भी पूरे के पूरे सीन की डिटेल लीक हुई है कि हल्क और ब्रूस बैनर के बीच एक अच्छी खासी बातचीत हुई थी, वो भी इन्फिनिटी वॉर फिल्म में, जिसे फिल्म में से पूरी तरीके से काट दिया गया और इस सीन को फिल्म के एंड में ऐड किया गया था, आई मीन वही वाकांडा की बैटल में जहां पर ब्रूस हल्क को बाहर आकर ब्लैक ड्रॉप से लड़ने के लिए कहते हैं, बट हल्क उन चीजों को पूरी तरीके से रिफ्यूज कर देता है। तो अब जैसे ही उस सीन की पूरी डिटेल मुझे मिलेगी, तो डेफिनेटली मैं आपको उस सीन की पूरी डिटेल दूंगा। तो अब आपकी क्या राय है कैप्टन मार्वल के इस कैरेक्टर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते थे कि हमें 2015 की एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में कैरल डेनवर्स की एंट्री दिखा दी जाए या फिर नहीं। तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।